तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन के अंदर अपना थर्ड पार्ट देखने वाले हैं, जिसमें बेसिकली हम लोग टेंसेस को डिस्कस करेंगे, यानी काल क्या होते हैं, क्या इसके एग्जांपल्स होते हैं, और काफी इजीएस्ट वे में हम लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे। और हमारा मेन फंडामेंटल ये है कि काफी कम से कम समय में आपको बेहतर से बेहतर चीजें समझा दी जाए। ओके, टेंस से आप लोग बहुत पहले से ही रूबरू हो चुके होंगे, बहुत पहले ही से आपने टेंस पढ़ा होगा। टेंस से रिलेटेड जो भी आपके डिफरेंट टाइप ऑफ टेंसेस होते हैं, जैसे उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, और उसके रिगार्डिंग आपने जो भी ट्रांसलेशंस वगैरह होते हैं आपने बनाए होंगे, जरूर बनाए होंगे। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो इस तरीके की चीज़ों को जिन्होंने नहीं किया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो ये हमारा बेसिकली फंडामेंटल है कि इसमें काफ़ी डीप में नहीं जाना है, थोड़ा मतलब बेसिक जानकारी हमें इसके बारे में ले लेनी है कि हाँ बेसिक फंडामेंटल्स क्या होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट कई बार क्या होते हैं भूल जाते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे डेली लाइफ के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, और सबसे पहले आप देखते हैं इसका चार्ट। तो यहाँ पे आपको बताया कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट, तीसरा होता है फ्यूचर, आप इस तरीके से भी कह सकते हैं। और हर एक टेंसेस को हम क्या करते हैं, चार भागों में बांटते हैं, यानी फोर सब टेंसेस के रूप में हम क्या करते हैं उसको डिवाइड करते हैं, फोर। तो ये कितना हो गया, ये आपका एक है, ये आपका दो, ये आपका तीन। तो यहाँ पे अगर आप फोर का थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा आपका, 12 होगा। यानी 12 हमें क्या पढ़ने हैं, वर्ब फॉर्म पढ़ने हैं, वर्ब टेंसेस पढ़ने हैं 12। यानी आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और साथ ही साथ आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमारे 12 फॉर्म्स हो गए। तो ये ही आपके टेंसेस में यूज किए जाते हैं। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। पास्ट यानी जो बीत चुका है, प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, फ्यूचर जो आने वाला है, क्लियर। जैसे अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो आई ईट पिज्जा एवरी डे, यानी मैं क्या करता हूं, हर एक दिन पिज्जा खाता हूं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, क्लियर, क्योंकि आपका ईट क्या है, ईट आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसी तरीके से अगर हम इसके पास्ट की बात करें, इस सेंटेंस के पास्ट की अगर इंफॉर्मेशन की बात करें, तो आई एट पिज्जा यस्टरडे, क्योंकि एवरी डे यहाँ पे नहीं होगा, एवरी डे की जगह पे यस्टरडे यूज होगा, क्योंकि मैंने कल पिज्जा खाया था, क्लियर। इसीलिए कल खाया था तो कल के लिए क्या होगा, यस्टरडे हो जाएगा। अगर आने वाला कल रहेगा तो क्या होगा, आई विल ईट पिज्जा टुमारो, यानी मैं क्या करूंगा अगले दिन, यानी जो कल है कल मैं क्या करूंगा, पिज्जा खाऊंगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे आप देख सकते हैं सैल या विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, और यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। तो ये क्या है, ये सिंपल जो भी सेंटेंसेस हैं उसके रिगार्डिंग जितने भी पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, इसके एग्जाम्पल ये हो गए। इसी तरीके से अगर मैं कंटिन्यूअस की बात करूँ तो प्रेजेंट में क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि आई एम ईटिंग पिज्जा राइट नाउ, यानी मैं इस समय क्या कर रहा हूँ, पिज्जा खा रहा हूँ इस समय। तो इसके अगर फॉर्मेशन की हम बात करें तो सब्जेक्ट यूज हो रहा है, एम यूज होगा या फिर आर होगा या फिर आपका क्या होगा, इज होगा, प्लस वर्ब, वर्ब में क्या होगा आपका, वर्ब का फोर फॉर्म लगेगा, यानी आई एन जी लगेगा, प्लस आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर मैं इसी सेंटेंस की, जैसे जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस समय पिज्जा खा रहा हूँ का इसका अगर पास्ट हम लोग बनाएंगे तो क्या होगा, आई वॉज ईटिंग पिज्जा वेन यू अराइव, यानी जब तुम आओगे तब मैं क्या करता था, पिज्जा खाता था। ये आपका क्या है, यहाँ पे वाज यूज हो रहा है, क्यों, क्योंकि वाज आपका क्या है, पास्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसके कंटिन्यूअस की हम बात करें तो क्या बनेगा, आई विल बी ईटिंग पिज्जा वेन यू अराइव। तो यहाँ पे विल यूज होगा, क्योंकि सैल या विल आपके क्या होते हैं, फ्यूचर के लिए ही यूज होते हैं, कुछ संभावनाएं व्यक्त करनी होती है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। तो आपका कंटिन्यूअस भी हो गया, आपने देखा होगा कि इसमें सारे कंडीशंस में आईएनजी यूज हो रहा है, तो ये आपका एक फंडामेंटल हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे परफेक्ट के लिए, परफेक्ट टेंस के लिए, तो पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए क्या होगा, जैसे अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं सबसे पहले, तो आई हैव ईटन ऑल ऑफ द पिज्जा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब थ्री, क्योंकि ईटन आपका क्या है, ईट एट ईटन, ईट आपका फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, एट आपका क्या है, सेकंड फॉर्म है, ईटन आपका क्या है, थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो सारे जो आपके सेंटेंसेस हैं इसमें सारे सेंटेंसेस में वर्ब थर्ड का ही यूज हो रहा है।
क्योंकि जब परफेक्ट है, परफेक्ट में आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है। अगर हम इसका पास्ट बनाएंगे तो आई हैड ईटन ऑल ऑफ द पिज्जा व्हेन यू अराइव, तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे पास्ट में क्या होता है, हैड का यूज होता है, हैज या हैव का यूज नहीं होता पास्ट में, केवल हैड का ही यूज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। अगर हम फ्यूचर की बात करें फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, तो आई विल हैव ईटन ऑल ऑफ द पिज्जा बाय द टाइम यू अराइव, तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस विल में क्या होगा, हैव यूज होगा, विल हैव, शैल हैव, ये सारी चीजें यूज होंगी और यहाँ पे वर्ब थ्री यूज होगा। अब इसी तरीके से परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, आई हैव बीन ईटिंग पिज्जा फॉर 2 आवर्स, यानी मैं 2 घंटे से पिज्जा खाते आ रहा हूँ, तो ये क्या है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में है। तो इसमें आपका क्या है, सब्जेक्ट तो यूज हो ही रहा हैज या हैव भी यूज हो रहा है, साथ ही साथ बीन यूज हो रहा है बी डबल ई एन, और वर्ब फॉर्म में क्या हो रहा है, आई एन जी जुड़ रहा है, यानी वर्ब का 4 फॉर्म यूज हो रहा है। अगर मैं इसके पास्ट की बात करूं तो आई हैड बीन ईटिंग पिज्जा फॉर 2 आवर्स व्हेन यू अराइव, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्जेक्ट में हैज या हैव के बदले हैड यूज हो रहा है, और बीन तो यूज होगा ही होगा और आई एन जी भी यूज होगा क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपका है, क्लियर। इसी तरीके से अगर मैं इसके फ्यूचर की बात करूं तो आई विल हैव बीन ईटिंग पिज्जा फॉर 2 आवर्स व्हेन यू अराइव, तो यहाँ पे विल हैव बीन यूज हो रहा है, शैल हैव बीन यूज हो जाएगा, और वर्ब का क्या होगा, आई एन जी फॉर्म यूज होगा। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई आपकी। इसी के साथ ये आपका कंप्लीट हुआ, एग्जाम्पल थोड़ा सा हम और देख लेते हैं, कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर नहीं होनी चाहिए, ज्यादा आपको कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है चीजों को, क्योंकि बहुत सारे रूल्स बहुत सारे नियम पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इतना ही पढ़ के आप चीजों को समझ सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इनडिफिनिट की बात करें, यानी इनडिफिनिट यानी सिंपल, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, वो प्रेजेंट होता है, इसके साथ डू या डस का यूज करते हैं। इसी के साथ पास्ट टेंस की मैं बात करूं तो इनडिफिनिट यानी सिंपल फॉर्म में क्या होगा, ता था, ती थी, ते थे, ये सारी चीजें यूज होंगे, यानी था उसके अंदर आना चाहिए, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, डिड का यूज करेंगे। इसी साथ हम क्या करेंगे, सिंपल में फ्यूचर के में क्या होगा, गा, गी, गे, उसके साथ शैल या विल वर्ब फॉर्म का यूज करेंगे। सेकंड आपका आता है कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ उसमें क्या होगा, रहा, रहेगा, रही है, रहे हैं, इसके साथ इज, एम और आर का यूज होगा। इसी तरीके से पास्ट जो कंटिन्यूअस टेंस होगा तो वर्ब के फॉर्म में क्या होगा, आई एन जी जुड़ेगा, जैसे ईट है तो ईटिंग हो जाएगा, अगर आपका वॉक है तो वॉकिंग हो जाएगा। इसी तरीके से पास्ट टेंस की मैं बात करूं तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा, रहा था, रही थी, रहे थे, तो वाज या वर्ड का यूज होगा। और फ्यूचर टेंस की मैं बात करूं, फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, शैल बी, विल बी का यूज होगा। इसी तरीके से परफेक्ट की मैं बात करूं तो परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करूं तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो हैज या हैव का यूज होगा। इसी तरीके से मैं पास्ट की बात करूं तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो इसके साथ हैड का यूज होगा। अगर मैं परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट की बात करूं तो इसमें चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये सारी यूज होंगे, और शैल हैव, विल हैव का इसके साथ यूज होगा। इसी तरीके से परफेक्ट कंटिन्यूअस की मैं बात करूं तो इसमें फिर वही टर्म, वर्ब का 4 टर्म आपका यूज होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे प्रेजेंट टेंस, जैसे वो 2 दिनों से काम करते आ रहा होगा, तो ये जो संभावनाएं होती है उसको व्यक्त करने के लिए ये बेसिकली यूज किया जाता है। तो यहाँ तक पूरे चीजें आपकी कवर अप हो गई, कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में इस चीजों को शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इन चीजों का फायदा उठा सके। और जल्द मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।